हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? आवाज आ रही है सबको? ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर होनी चाहिए, एक बार कमेंट करके बता दो कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। फिर आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को टर्म सिंबल पढ़ाया था, राइट? विभाजी क्लास काफी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, पर कुछ बेसिक बेसिक सी बात है, तो जो जो भी बेसिक बातें हैं उनको थोड़ा जल्दी जल्दी से बताएंगे, ठीक है? उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड करने की ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो पहले एक बार क्लियर कर दीजिए, एवरीथिंग इज क्लियर? यस कमेंट कर दीजिए, यस सर एवरीथिंग इज क्लियर। टर्म सिंबल वाले क्वेश्चन जैम में भी आएंगे, नेट में भी आएंगे, गेट में भी आएंगे, सबको अच्छे से पता होना चाहिए। तो कुछ बेसिक चीज है जो मैं आपको ऐसे बताता हूँ। अच्छा, इस बात को आपने ऑब्जर्व नहीं किया है। अब हमारा टाइम आ चुका है, लास्ट क्लास में तो मैंने डिटेल में, बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज की क्लास में आपको ऑब्जर्व करना है। देखो, जब हमने P1 कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी, राइट, P1 की, उस केस में जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स आई थी और P5 में जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट आई थी वो क्या आई थी? बिल्कुल सेम आई थी, राइट। ऐसे ही P2 और P4 में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमें सिखाया हुआ है, ठीक है। D1 और D9 में भी, फर्स्ट ऑफ ऑल दीपक कांग्रेचुलेशन, दीपक को IIT बॉम्बे मिल गया है और अपने काफी सारे बच्चों को अच्छी अच्छी IITs मिल भी गई है, तो कांग्रेचुलेशन भाई। सभी बच्चे का इसको कांग्रेचुलेट कर भी दो। दीपक की ओनली रैंक 2 भी आई थी इस बार, एंड लेट्स सी क्या हम इस बार दीपक का जो रिकॉर्ड है उसे तोड़ पाएंगे कि नहीं। दीपक ने वैसे बहुत अच्छा काम किया, ऑल इंडिया रैंक 3 थी उससे लास्ट ईयर, उसे ब्रेक करके ये नया रिकॉर्ड किया है। सी कैन वी गेट ऑल इंडिया रैंक 1 दिस टाइम, ठीक है, ओके। D2 और D8 भी आपने देखा होगा, उसमें भी सेम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स आ रही थी, और D3 और D7 में भी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स सेम थी। समटाइम्स आपके पेपर में सिंपल क्वेश्चन हैं कि D2 में नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स निकाल के दिखाओ, लेकिन बात पता है क्या है? बात ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ माइक्रो स्टेट निकाल दो, फॉर्मल लगा दो और आंसर निकाल लो, उसकी बात नहीं चल रही यहाँ पे। पॉइंट ये है कि इनसे हम क्या समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है, देखो, कि आगे चीजें बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। क्या कोई है जो AIR1 लाने के लिए अभी से ये कह सकता है कि सर मैं ये रिकॉर्ड तोड़ूंगा, या अभी इतनी हिम्मत भी नहीं है? देखो, हम ऐसा मान सकते हैं, जब P1 कॉन्फ़िगरेशन है तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो है इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है विद लेट सपोज अल्फा स्पिन या बीटा भी हो सकता है, जो तुम्हारी मर्जी है। इन द सेम वे P5 में आप ये समझ लीजिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ये समझें कि 5 इलेक्ट्रॉन है, या फिर एक मजेदार बात यह है, आप ये भी समझ सकते हैं कि एक जगह खाली है और उस खाली जगह को मैं एक येलो कलर की स्पीसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको मैं एक पॉजिट्रॉन बोल सकता हूं, राइट, पॉजिट्रॉन, या इसको हम आगे होल के नाम से भी बोल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की अल्फा बीटा स्पिन है, आप मान लीजिए इसकी भी दो स्पिन पॉसिबल है, अल्फा एंड बीटा। तो रेदर देन फिलिंग कि आप इस बात को ऐसे फिल करें कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट देखे, क्यों ना आप एक होल की अरेंजमेंट देख ले, एक होल या एक पॉजिट्रॉन। ये क्या हो गया, टेलीग्राम किसने खोल दिया है यहाँ पे? टेलीग्राम वेलीग्राम नहीं चेक करना भाई, पर्सनल चैट बाहर निकाल लेनी। तो आप ये भी सोच सकते थे कि जो पॉजिट्रॉन है सर, वो डाउन ऐसे हो सकता था, ऐसे भी हो सकता है, यहां भी हो सकता था, ऐसे ही अप में भी हो सकता था, इस तरीके से स्पिन अप भी हो सकता। तो आप तब भी 6 ही अरेंजमेंट को फाइंड आउट कर सकते, 6 ही अरेंजमेंट बना सकते। तो आपको यहां से एक रिलेशन फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बीच में, क्योंकि जब चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने लगती हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी है तो चीजों को आप आसानी से कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, याद करो मैंने आपको बताया था, अगर हमें कार्बोनेट स्पीसीज है, राइट, कार्बोनेट,
इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, मैं जस्ट कनेक्ट कर रहा हूं बातों को। जब हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना था इसमें, तो हम क्या कहते थे कि अगर मान लो पाई बॉन्ड नहीं होता तो बॉन्ड ऑर्डर तो कार्बन ऑक्सीजन वन ही होता ना हर जगह। अब पाई बॉन्ड तीन जगह इक्वली डिवाइडेड है, तो पाई बॉन्ड यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहां हमने बता दिया कि सर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थ्री बन रहे थे, रेजो स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम परक्लोरेट की बात करते हैं, सीएलओ फोर नेगेटिव, इस केस में पाई इलेक्ट्रॉन्स के पाई बॉन्ड तीन है, राइट? तो आपको मैंने क्या समझाया था, या तो आप ये बोले पाई जो पाई बॉन्ड है वो वन टू और थ्री ऑक्सीजन के साथ है, फिर वन टू और फोर के साथ करें, या फिर आप ये भी तो ऑब्जर्व कर लें इस सिग्मा बॉन्ड के अकॉर्डिंगली चल लो। सिग्मा बॉन्ड एक के साथ हो सकता है, इसके साथ हो सकता है, इसके साथ हो सकता है, इसके साथ हो सकता है। तो हम ये हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल है कि हम रेदर देन इलेक्ट्रॉन, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने लगते हैं तो हम जो खाली जगह है उसको एज ए पॉजिट्रॉन मान के चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो सिक्स ही अरेंजमेंट P5 कॉन्फ़िगरेशन में बन सकते हैं। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बोलो भाई। तो P1 में भी पांच इलेक्ट्रॉन, सिक्स माइक्रोस्टेट है, सिक्स पॉसिबिलिटीज हैं, और P5 में भी कितनी होंगी? सिक्स ही पॉसिबिलिटी होगी। तो मैंने आपको बता दिया, अगर एक पार्शली फिल्ड लेवल है जिसमें एन इलेक्ट्रॉन है, आप उसको समझ सकते हैं उसमें कैपिटल एन माइनस एन पॉजिट्रॉन होंगे। आप पूछिए सर व्हाट इज दिस कैपिटल एन? अगर पी ऑर्बिटल है कैपिटल एन की वैल्यू 6 हो जाएगी, अगर डी ऑर्बिटल है तो 10 हो जाएगी, एफ है तो उसकी 14, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने उस ऑर्बिटल में आ सकते हैं। और इसको मैं बहुत सही से यूज करूंगा जब हम ऑर्बिटल डायग्राम्स को पढ़ेंगे। तो पॉजिट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट या होल वाला कॉन्सेप्ट जैम लेवल तक, ग्रेजुएशन लेवल तक इतना मैटर नहीं कर रहा होता, लेकिन नेट लेवल पे इसके बिना आगे बढ़ना बड़ा क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। तो D1 और D9 में बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो आप ये बात समझिए कि जहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे स्टेबल है, पॉजिट्रॉन वहां पे सबसे अनस्टेबल होगा। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स जहां पर रहना चाहेंगे वहां पर होल नहीं होगा, होल वहां पे बचेगा जहां इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहेगा। अब सारी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वगैरह सब कंसिडर चलना है, बस आपको एक बात समझ लेनी है आज के बाद कि सर P1, P5, P2, P4, और इसको आप कनेक्ट भी कर सकते हैं ना। कैसे? आप ऐसे बोल दीजिए सर पी एन इलेक्ट्रॉन और पी सिक्स माइनस एन इलेक्ट्रॉन में सेम माइक्रोस्टेट्स बनेंगे, तो पेपर में क्या हम अपना काम आसान कर सकते हैं? आंसर इज यस सर। ऐसे ही डी एन डी टेन माइनस एन में भी सेम माइक्रोस्टेट्स ही आएंगी। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई कि अगर फ्यूचर में मैं पॉजिट्रॉन को लेके दिखाऊं या होल को लेके चलूं तो आप लोग बातों को समझ पाएंगे? यस और नो, यस और नो जल्दी कमेंट करो भाई। क्लियर? अब चलिए, आज की क्लास का जो मेन पार्ट था जिसको मैंने आपको पहले ही टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया था, ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। अगर पी में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, अब बहुत ध्यान से समझना, यहां हमें ऑब्जर्व करना है। आपको टर्म सिंबल निकालने आ गए हैं, ML, MS, LMAX, SMAX सब निकालनी आ गई है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी आ गई है, अब स्पीड को कैसे बढ़ाएं? तो ये टेबल थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ये टेबल आपकी स्पीड बढ़ाने में हेल्प करेगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो प्लस वन वाले में होगा, अरे पी ऑर्बिटल ML की वैल्यू प्लस वन जीरो माइनस वन होती है ना, तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। ML max, MS max, ये कैसे इस L और S से रिलेटेड है, ये सब बातें हम ऐप पे कर चुके हैं, तो आप लोगों को सारी डिटेल में पहले से ही पता होगी। तो आप ये बात समझ लीजिए, देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, P1 के केस में L जो कैपिटल L है, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसकी वैल्यू क्या है? 1 है। जब इलेक्ट्रॉन 1 और 0 वाले में होगा तब भी इसकी वैल्यू 1 आ रही है मैक्सिमम, और 1 यहां पे आ गया, 1 0 माइनस 1 तो कितनी हो गई? 0। तो एक बात ऑब्जर्व तो हमने ये की ना सर कि P1 P2 P3 P3 में आने पर L की वैल्यू 0 हो जाती है, उसके बाद से जो P4 है तो वो P1 से मैच करेगा। क्यों? ध्यान से समझो, क्योंकि यहां तक आते वक्त L की वैल्यू बढ़ी, मतलब जो भी रही 1 1 0, तो P4 में फिर से क्या आ जाएगी? P1 के बराबर ही आ जाएगी, क्योंकि P3 में L की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे ही P6 में L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन पे टाइम स्पेंड करने को कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग इनकी वैल्यू ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल नहीं निकाल सकते हैं। ऑब्जर्व करने को जो है हमारे पास यहां उसकी बात कर रहा हूं। तो आप जानते हैं कि अगर कैपिटल एल की वैल्यू 1 है तो पी होगा, स्टेट क्या होगी?
पी, वन पे क्या होती है पी और जीरो पे क्या होती है एस, यानी पी पी एस। तो एल की वैल्यू पी फोर पी फाइव पी सिक्स के लिए सेम रहेगी, यानी अगेन पी पी एस ही रहेगी। यानी कि मैं बोल सकता हूं अगर पी में एन इलेक्ट्रॉन है और पी में थ्री प्लस एन इलेक्ट्रॉन है तो स्टेट बिल्कुल सेम रहेगी, यानी एल की वैल्यू क्या रहेगी सेम। क्या बात समझ रहे हो? लेकिन एस सेम नहीं रहेगा, क्योंकि जब पी वन है तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब पी फोर है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं दो हैं। तो यहां से पहला रिजल्ट, इसी को हम होल फॉर्मलाइजेशन रूल कहते हैं, या फिर इसी को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, इक्विवेलेंस प्रिंसिपल भी इसी का नाम है। कि पी में अगर एन इलेक्ट्रॉन हो, या ये वाला नीचे वाली बात पढ़ो, पी एन या पी थ्री प्लस एन वालों के लिए सेम वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू सेम आई तो यानी टर्म लिखते वक्त जो स्टेट है वो सेम ही रहेगी, लेकिन एस जो है वो क्या रहेगा डिफरेंट। तो जरा हमने यहां से क्या सीखा, तो पेपर में पी वन आए या पी फोर स्टेट क्या है, अरे पी वन में तो पहचान ही लेंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन है प्लस वन में पी पी एस, तो अगेन पी पी एस। क्या ये मेरी बात समझ पाए, क्या आप ये ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं? पेपर में इतनी डेप्थ में नहीं जाना होता, डेप्थ क्लास में समझने के लिए होता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलो भाई, सिर्फ स्टेट्स पे ध्यान दो, पीपीएस पीपीएस। क्या बात समझ में आई, यस और नो लिखो भाई सभी लोग, ऐसा मजा नहीं आएगा, जल्दी बताओ। जल्दी से बोलो यार, समझ में आ गया? यस सर, लिखो। मैंग तू क्या बस गुड मॉर्निंग करने आता है क्या, गुड इवनिंग? आगे कहाँ है, जब बताओगे आगे तभी पढ़ाऊंगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? भाई P3 में आते वक्त कैपिटल L जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्लस वन में इलेक्ट्रॉन है, जीरो में है और फिर माइनस वन में। तो सेम सीक्वेंस D वालों में भी रहेगा। L की वैल्यू देखो क्या है, D1 के लिए प्लस टू यानी टू, फिर थ्री, फिर थ्री, फिर टू, फिर जीरो। जैसे ही D5 में आया तो ऑब्जर्व करने वाली बात है कैपिटल L फिर से क्या हो गया जीरो, क्योंकि प्लस टू प्लस वन जीरो, माइनस वन माइनस टू, ये क्या बना देंगे जीरो। यानी D1 के लिए स्टेट और D6 के लिए स्टेट क्या रहेगी सेम रहेगी। तो D1 तो याद रख सकते हो, D1 में इलेक्ट्रॉन प्लस टू में है, प्लस टू का मतलब क्या होता है डी स्टेट, प्लस थ्री का मतलब क्या होता है एफ स्टेट, प्लस थ्री का मतलब क्या होता है एफ स्टेट, देन डी एंड देन एस, तो यानी डी एफ एफ डी एस। और D6 से लेकर D10 तक भी सेम चीज का रिपीटेशन होगा। क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं? D F F D S D F F D S, रट्टा नहीं मारना। पेपर में आ गया D8, तो D3 याद कर लो कि प्लस टू में एक, प्लस वन में जीरो, थ्री, थ्री मतलब F, चार ऑप्शन होते हैं F के अलावा, बाकी सब कट जाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि इस क्लास का मेन पर्पज आपकी स्पीड बढ़ाना है चीजों को समझते हुए। तो जैसे कि P3 के बाद हाफ फील्ड के बाद का सीक्वेंस बिल्कुल सेम रहता है, तो D1 से D5 के बाद का सीक्वेंस भी बिल्कुल सेम रहेगा। तो रटना नहीं है, बिल्कुल मत रटना, कोई ट्रिक नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लो, लॉजिकली समझ के चलो तो जल्दी आंसर तक पहुंच जाओगे। तो दूसरा पॉइंट मैं ये कह रहा हूं, जैसे P3 और D5 के लिए कैपिटल L टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जीरो है, तो Dn और D5 प्लस n के लिए जो L की वैल्यू है वो क्या रहेगी सेम, लेकिन S बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगा। समझ आ रही है? D F F D S, रट्टा मत मारो। D7 कोई मेरे से पूछता है तो मैं जिंदगी में D2 सोचता हूँ, D2 में मैं जानता हूँ प्लस टू प्लस वन थ्री, थ्री मतलब F। समझ में आ गई बात? तो D7 D3 बिल्कुल सेम रहेगी, स्टेट हो गई, स्टेट वाली बात हमने समझ ली। यहां सर ये वाली बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन दूसरी बात मैंने अभी भी समझाई थी आपको थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रॉन और होल या पॉजिट्रॉन वाले कॉन्सेप्ट को कैसे जोड़ना है। तो उस केस में तो P1 और P5 जो है वो बिल्कुल सेम रहेंगे। बात समझ रहे? बोलो भाई। तो याद रखना कि P1 और P5 के लिए L और S दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन याद रखना कई बच्चे सोचेंगे सर L और S सेम है तो J भी सेम होगा, ये तुमने कैसे सोच लिया भाई?
जे की वैल्यू तो हाफ फील्ड के लिए अलग होती है ग्राउंड स्टेट, और फुली फील्ड के लिए जे की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो उसके ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखना, अगर एल और एस सेम है, इट डजंट मीन जे भी सेम होगा। क्या आप मेरी बात क्लियरली समझ पा रहे हैं? तो होल फॉर्मुलाइजेशन और इक्विवेलेंस प्रिंसिपल कहता है कि पी एन और पी सिक्स माइनस एन वालों के लिए L की वैल्यू भी सेम होगी और S की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐसे ही Dn और D10 माइनस N वालों के लिए L की वैल्यू भी सेम होगी और S की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। तो अगर कोई मेरे से P5 की बात करता है तो मुझे P1 नजर आता है। P1 के लिए देखो +1 0 -1, 1 का मतलब है क्या, P स्टेट। एक अनपेक्ड टोन है तो S की वैल्यू क्या हो गई, हाफ हो गई। तो 2S +1 कितना हो गया है, 2, डुबलेट 2। क्या आप एक स्टेप में फाइंड आउट कर सकते हैं? क्लियर है सभी को? तो ये रूल यही कहता है, दोनों पॉइंट बड़े क्लियरली समझने, कब सिर्फ L की वैल्यू सेम होगी, कब सिर्फ S की वैल्यू सेम होगी। तो टर्म तो सेम आ सकती है, जैसे कि जो P1 के लिए टर्म है और जो P5 के लिए टर्म है वो डुबलेट P और डुबलेट P है, लेकिन टर्म सिंबल सेम नहीं होगा। यहां लेस देन हाफ फील्ड है तो जो लोअर वैल्यू ऑफ J है वो आएगी, यहां पर मोर देन हाफ फील्ड है तो जो हायर वैल्यू ऑफ J है वो आएगी। क्या ये आप बात समझ पा रहे हैं? तो यानी कि इसके ग्राउंड स्टेट में आप L में से S को माइनस करेंगे और इसके ग्राउंड में आप L प्लस S करेंगे। क्या पॉइंट समझे मेरी बातों को, बोलो भाई। अब ये याद नहीं होते, ये अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझ रहे ना बातों को, इतनी ही स्पीड से आप आंसर कर देंगे। पेपर में आ गया D8, D8 को आपको किसने लेट कर लिया, D3 से। D3 में आप जानते हैं भाई +2 में इलेक्ट्रॉन है, +1 में है और 0 में है। तो F स्टेट तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो S की वैल्यू क्या हो गई, 3/2। 2S +1 कितना हो जाएगा, 4। D3 के लिए 4F हो गया। अब याद रखो, अगर लेस देन हाफ फील्ड है D3 होता तो 3 में से आप माइनस करते 3/2, लेकिन मोर देन हाफ फील्ड है तो 3 में आप ऐड करेंगे 3/2। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है, यस और नो, बोलो भाई। क्या आपको ये होल फॉर्मुलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि P1 और P4, P2 और P5, P3 और P6 इनके लिए सिर्फ L की वैल्यू सेम होगी, लेकिन P और Pn माइनस 1 के लिए L और S दोनों की वैल्यू सेम होगी, लेकिन ग्राउंड स्टेट निकालते वक्त इनसे पहले वालों में L माइनस S करना है, इनसे बाद वालों में L प्लस S करना है। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी? जल्दी बता दो भाई। तो आप कहेंगे ठीक है सर, यहां तक हमें सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई और हो जानी भी चाहिए, डाउट भी होता तो हम उसको डिस्कस करते, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, हमने नए क्वांटम नंबर सीखे। बेसिकली जो नए क्वांटम नंबर है इसी को हम वेक्टर मॉडल ऑफ एटम कहते हैं, जिसमें हम एंगुलर मोमेंटम के कॉरस्पॉन्डिंग एस को एक वेक्टर मानते हैं, एल को एक वेक्टर मानते हैं। अब हमें कुछ सिलेक्शन रूल्स पढ़ने हैं। तो आपको ये बात समझनी है, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्लास में क्या देखा था, सारी मैथमेटिकल पॉसिबिलिटीज जो थी वो अलाउड टर्म्स नहीं होती थी, ऐसे ही सारी जो मैथमेटिकल पॉसिबिलिटीज है वो भी अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होती है। कुछ ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड होती हैं और कुछ जो होती हैं वो अलाउड नहीं होती हैं। कौन सी अलाउड नहीं होगी, उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगी और जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उन्हीं को क्वांटम रेस्ट्रिक्शन या सिलेक्शन रूल कहते हैं। तो आपको ये बात समझनी है कि जो ऑल द मैथमेटिकल पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अमंग All allowed energy level do not occur। बहुत क्लैरिटी से इन नोट्स को बनाना कि मैथमेटिकली जो हम एनर्जी लेवल बना लेते हैं, जो लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सिंगलेट और ट्रिपलेट के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड फर्दर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, जैसे जैसे माइक्रोस्टेट स्प्लिट होती रहती है, तो सारे मैथमेटिकल ट्रांजिशन जो पॉसिबिलिटीज थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं पॉसिबल हो पाती है। उनके एक्सप्लेनेशन क्वांटम में भी है, अगर आप कोई अच्छी बुक पढ़ेंगे तो उसमें रीजन लिखे भी हुए हैं, पर वो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन होंगे। हमें कौन सा मैथमेटिक्स में घुसना है, हमें तो बस ये समझना है कि देयर आर सम रेस्ट्रिक्शन, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं
सारी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती है, और इन रेस्ट्रिक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं, इन रेस्ट्रिक्शंस को बोलते हैं हम सिलेक्शन रूल्स। सिलेक्शन रूल्स ये थ्योरेटिकल नहीं है, इनके बिल्कुल प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ इनके होते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं सर, एल पे क्या कंडीशन है, एल जो है वो क्या कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, उस पर हम क्या रूल लगाएं। तो एक एक करके डिटेल में समझते रहना। सिलेक्शन रूल ऑफ एल, तो आप याद रखना जिन ट्रांजिशन में एल चेंज हो रहा हो प्लस वन से माइनस वन वही अलाउड है, यानी एस स्टेट से पी, पी से डी, डी से एफ अलाउड है, एस से एस, पी से पी, डी से डी अलाउड नहीं होंगे। रीजन मैथमेटिकल है, क्वांटम मैकेनिकल है, जिसको डिटेल चाहिए मैं आपको पूरी पीडीएफ भी शेयर करूंगा। अच्छी बुक्स हैं जिनमें रीजन लिखे हुए, लेकिन वो पार्ट मैथमेटिकल है ना, तुमसे एग्जामिनर पूछने वाला है और तुम्हें भी उसकी डेप्थ में घुसना हो, तो जब आप एमएससी कर रहे हैं तो डेप्थ में जाओ उस मैथमेटिकल पार्ट के, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। दूसरा पार्ट है सिलेक्शन रूल ऑफ एस, एस पे क्या कंडीशन है, सिलेक्शन रूल ऑफ एस, कैपिटल एस की बात चल रही है यहां पे। तो कैपिटल एस का सिलेक्शन रूल ये कहता है कि जो कैपिटल एस है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, चेंज यानी सेम मल्टीप्लिसिटी में ही ट्रांजिशन होंगे, ट्रिपलेट का ट्रिपलेट में, डुप्लेट का डुप्लेट में, सिंगलेट का सिंगलेट में, ये रूल कहता है। और तीसरा रूल है सिलेक्शन रूल ऑफ जे, जे क्या था, टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसका आंसर है कि जो डेल्टा जे है वो जीरो चल सकता है, जे जीरो चल सकता है, अगर प्लस माइनस वन है तब भी अलाउड है। बट एक बात ध्यान रखनी है, अगर जे जो है जीरो है तो जीरो से जीरो ट्रांजिशन, जे जीरो से जे जीरो ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगी, जे जीरो टू जे जीरो नॉट अलाउड। कोई भी बच्चा इस बात की टेंशन न ले सर ये कहां से आए हैं, क्या इससे कभी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं इससे ऐसा क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं आ सकते, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि इनके मैथमेटिकल डेरिवेशन और आपका पेपर कैसा है, ऑब्जेक्टिव है। तो मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो इनके सिलेक्शन रूल को एक बार देख लो, क्या क्या ट्रांजिशन अलाउड होंगी और कौन सी नहीं होंगी, क्या ये बात समझ में आई, बोलो भाई, इसको एक बार ध्यान से सुनो। एक सेकेंड वीरेंद्र, अभी रिप्लाई करूंगा बेटा, ध्यान से सुनो इसको, इसको समझो पहले जो पता है, ध्यान दो इसको। So these are the certain selection rules जो हमने L, S और J पर लगाए हैं। अगर आप MSc कर रहे होंगे तो आपको इसकी डेप्थ पढ़नी भी चाहिए कि ये rules कैसे आए हैं, quantum mechanically कैसे derive किए हुए हैं, लेकिन NET gate जैसे exam के लिए detail जरूरी नहीं है। अब एक rule दोनों पे एक साथ मिल रहा है, L और S पे, ये दोनों interdependent है, तो इस rule को भी समझ लेना, यानी कि selection rule बेस्ड ऑन इंटर डिपेंडेंस ऑफ एल एंड जे, इन दोनों को भी थोड़ा सा ध्यान में क्या रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर यह है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें एल और जे अगर अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं तो अलाउड नहीं होंगे। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान समझो, यानी मान लो एल, कैपिटल एल, उसकी वैल्यू प्लस वन जा रही है, एस से क्या हो रहा है, पी में ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन जे की वैल्यू टू से वन जा रही है। तो अगर एल प्लस वन है और जे माइनस वन है तो आप बोलेंगे ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे ट्रांजिशन बिल्कुल फॉरबिडन होंगे। तो आप लिख लीजिए इस चीज को, ट्रांजिशंस
transitions leading to change for L and J. L को मैं साफ साफ लिख देता हूं, L and J in opposite direction. In opposite की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, direction are not allowed. Clearly लिख रहा हूं are not, green कलर से लिख रहा हूं allowed. बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगे, यानी कि डेल्टा एल की जो वैल्यू चेंज हो रही है अगर वो माइनस डेल्टा जे हो तो ऐसे ट्रांजिशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगे. तो आई होप आप लोगों को ये चार बातें समझ में आई होंगी. अब आप हायर लेवल केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो हर चीज का एक्सप्लेनेशन, अच्छा मैं बहुत सिंपली समझा रहा हूँ आप लोगों को. जैसे आप 12th क्लास में थे तो आपको बताया था ना एन एल एम क्वांटम नंबर किसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, क्या उस दिन आप जानते थे इसका रीजन क्या है? वो तो आप ग्रेजुएशन में आए, आपने श्रोडिंगर इक्वेशन देखी, फिर आप समझे जब श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो क्या क्वांटम रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती है एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होने के लिए, कहां से एन एल की वैल्यू आई. इन द सेम वे आज आप एमएससी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ केमिस्ट्री का एंड है. यहाँ आप उस हायर लेवल पे आ चुके हैं कि यहाँ इनके पीछे की एक्सप्लेनेशन है बट एग्जाम के लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं है. तो ये बात ध्यान रखिए, डेल्टा एल प्लस वन माइनस वन, डेल्टा एस जीरो, जे की वैल्यू जीरो प्लस वन माइनस वन हो तो अलाउड ट्रांजिशन माने जाएंगे, लेकिन जे जीरो से जे जीरो वाला अलाउड ट्रांजिशन नहीं माना जाएगा. और एल अगर चाहे डेल्टा एल प्लस वन ही हो और जे जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो माइनस वन, तो ऐसे ट्रांजिशन भी फॉरबिडन ट्रांजिशन में ही काउंट होंगे. क्या ये बात समझ में आएगी आपको? बोलो भाई. तो ये थे कुछ अलाउड ट्रांजिशन कि कौन से ट्रांजिशन अलाउड है. इसके अलावा दूसरी बात कि कौन से नंबर ऑफ ट्रांजिशन जितने ज्यादा होंगे उतनी इंटेंस पीक आती है, राइट? तो इंटेंसिटी के लिए क्या रूल है, तो अगला पार्ट हमें पढ़ना है इंटेंसिटी रूल फॉर स्पेक्ट्रल ट्रांजिशन. तो इंटेंसिटी रूल क्या कहते हैं, ये बड़े सिंपल से रूल है. पहला पॉइंट तो वही है, L और J जो है वो सेम डायरेक्शन में चेंज होने चाहिए. यानी कि इसको जल्दी से लिख देते हैं, ट्रांजिशन विच लीड्स L एंड J टू चेंज इन सेम वे. दोनों अगर सेम तरीके से चेंज हो रहे हो, या तो दोनों प्लस वन हो दोनों माइनस वन हो, प्रोड्यूसेस इंटेंस लाइन. उनकी इंटेंस लाइन हमें स्पेक्ट्रा में ऑब्जर्व होगी. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, अगर डेल्टा एल दो तरीके से, एल दो तरीके से बदल सकता है, यानी एल की वैल्यू प्लस वन भी हो सकती है माइनस वन भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा इंटेंस लाइन जो है वो तब आती है जब डेल्टा एल माइनस वन हो. यानी ट्रांजिशन, कुछ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, ट्रांजिशन फॉर विच L decreases by unity are stronger. उनमें intensity stronger होगी compared to transition, उन transition की comparison में having delta L equals to plus one. Clear है? तो चलिए मैं आपको कुछ ट्रांजिशन लिखूंगा और आपने जो भी पढ़ा है उसके बेसिस पे आप मुझे बताएंगे कि उन किस केस में इंटेंसिटी स्ट्रांग होगी या वीक होगी. तो सबसे पहला केस, केस नंबर वन, मान लीजिए डेल्टा एल जो है वो माइनस वन है और डेल्टा जे जो है वो भी माइनस वन होगी. तो बताओ आपके हिसाब से इस ट्रांजिशन में जो इंटेंसिटी लाइन की इंटेंसिटी होगी वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी या वीक होगी? तो जरा ध्यान से देखो, डेल्टा एल प्लस वन माइनस वन हो सकता था उसमें माइनस वन है, डेल्टा जे जीरो भी हो सकता था प्लस वन माइनस वन भी हो सकता, दोनों है तो दोनों अलाउड हैं, एल के अकॉर्डिंगली भी जे के अकॉर्डिंगली भी, और दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं यानी दोनों माइनस वन है. इसका मतलब अगर पूरे स्पेक्ट्रा में सबसे मोस्ट इंटेंसिव तो ये वो यही वाली होगी, मोस्ट इंटेंस लाइन. कई बार पेपर में सीधा सिलेक्शन रूल से ही क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है. दूसरा केस कि डेल्टा एल जो है वो माइनस वन है और डेल्टा जे जो है वो जीरो है.
इस केस में देखो डेल्टा एल क्या हो गया, प्लस माइनस वन दोनों हो सकता था, उसमें से माइनस वन है, और हमने अभी बताया कि अगर ये माइनस वन हो तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। डेल्टा जे इस बार किसी भी डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसी लाइंस जो आपको मिलेंगी स्पेक्ट्रा में वो भी काफी अच्छी खासी इंटेंस लाइन होगी। क्लियर है? तीसरा पॉइंट, डेल्टा एल जो है वो प्लस वन हो जाए और डेल्टा जे जो हो जाए वो भी क्या हो जाए, प्लस वन हो जाए। तो अगर इस केस में आप ऑब्जर्व करेंगे तो डेल्टा एल और डेल्टा जे सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं तो स्ट्रॉन्गर है, लेकिन आप समझिए डेल्टा एल माइनस नहीं है, किस क्या है, प्लस है। तो इस कंपैरिजन में जो लाइन है वो एक वीक इंटेंस लाइन मिलेगी। मैं वीक लाइन लिख रहा हूं, आप अपने आप समझ जाना वीक इंटेंस लाइन मेरे कहने का मतलब है। फोर्थ केस, डेल्टा एल प्लस वन है और डेल्टा जे जीरो हो जाए तो अब भी ये भी अलाउड है, लेकिन ये वेरी वीक लाइन मिलेगी, वेरी वीक। रीजन, पहली बात तो डेल्टा एल माइनस नहीं है और दूसरी बात डेल्टा जे उसके सेम डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए लाइन तो मिलेगी बट एक वीक लाइन मिलेगी। अब बात करते हैं फिफ्थ केस की, अगर डेल्टा एल जो है वो प्लस वन है और डेल्टा जे जो है वो माइनस वन हो जाए, अब तो कहानी ही पलट गई। एक तो डेल्टा एल भी माइनस वन की जगह प्लस वन है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रही है, तो दीज काइंड ऑफ ट्रांजिशन विल बी फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब होता है विच आर नॉट अलाउड। और यहां पे एक इंटरेस्टिंग केस ये है कि अगर डेल्टा एल माइनस वन है जिसके लिए इंटेंस लाइन मिलनी चाहिए थी, लेकिन डेल्टा जे अगर प्लस वन जा रहा है तो ये वाली ट्रांजिशन भी फॉरबिडन है। समटाइम्स बच्चे इस ट्रांजिशन को बहुत ही इंटेंस लाइन बताते हैं क्योंकि वो क्या देखते हैं, सिर्फ डेल्टा एल को देखते हैं। क्या आपको ये 6 के 6 केसेस समझ में आए? बहुत काम की चीज थी, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड होंगे, और बात पेपर की नहीं है, बात ये आगे आपको जो स्पेक्ट्रा समझने हैं उनको समझने के लिए ये सारी चीजें वर्क करती हुई नजर आएगी। आज की क्लास में मैं आपको एक मस्त चीज समझाता हूं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं सोडियम, डी लाइन ऑफ सोडियम, क्या उनका मीनिंग होता था, आज की क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम फाइन स्पेक्ट्रा या फाइन स्ट्रक्चर, बहुत ध्यान समझना, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ सोडियम समझा रहा हूं। किसकी बात कर रहे हैं हम, सोडियम। आज आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो जरा मुझे ये बताइए भाई, सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2, ये आपका पहला लेवल है जिसको आप मान के चलते हैं, देन 2s, देन आप लेवल लेते हैं 3s। 3s में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट? 3s वाले की अगर मैं आपको इसका टर्म सिंबल निकालने को कहूं तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? बोलो भाई, व्हाट इज द टर्म सिंबल फॉर 3s1? 3s1 के लिए टर्म सिंबल की वैल्यू क्या होगी? तो आप जानते हैं s के लिए स्मॉल l 0 है, कैपिटल l भी क्या हो जाएगा, 0। तो कौन सी स्टेट आ गई, s। एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड स्टोन है, हाफ होगी s की वैल्यू, कैपिटल s की वैल्यू, तो 2s प्लस 1 कितना आ जाएगा, डुप्लेट। और j की वैल्यू आप जानते हैं, l माइनस s कर, वैसे तो आप जानते हैं इसके केस में जब आप l 0 है ही तो l इक्वल टू s आ ही जाएगा। तो बेसिकली दिस इज द टर्म सिंबल फॉर 3s, समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ 3s से जो ऊपर है मुझे क्या, मैं इनको नीचे कर सकता हूं, एक बार मैं ट्राई कर लेता हूं, कैन आई पुट देम डाउन? यस, 3s के लिए जो टर्म हमारी निकल के आई है, टर्म सिंबल ये है, ये वाला, बहुत ध्यान से समझना। 3, अगर सोडियम को हम किसी भी तरीके से एक्साइट करते हैं और एक्साइट करने के बाद उसका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में चला जाए, अब उसमें डिपेंड करता है हम कितनी एनर्जी दे, लेकिन 3s से ऊपर हम जानते हैं कौन सा एनर्जी लेवल आएगा। क्या आप इस क्लास के बच्चे हैं तो मुझे वो आंसर करना चाहेंगे कि 3s के जस्ट ऊपर कौन सा एनर्जी लेवल होगा? तो आप भी जानते हैं सर, 3s के अकॉर्डिंग हमारे हिसाब से 3s के बाद 3p होगा। तो अगर इसी इलेक्ट्रॉन को मैं यहां से एक्साइट करके यहां ले जाऊं तो 3s तो 0 हो जाएगा और 3p में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज 3s0 3p1। अगर 3s0 3p1 के लिए मैं आपसे टर्म सिंबल निकालने के लिए कहूं तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे? तो आप मुझे बोलेंगे सर देखो, इलेक्ट्रॉन जो है अब p ऑर्बिटल में है, प्लस 1 0 माइनस 1 इसमें है, तो इसके लिए l की वैल्यू क्या हो गई है, 1। तो यहां के कोरस्पोंडिंग l जो है कैपिटल l भी 1 आ जाएगा। क्लियर है? p
पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 1 होती है ना, बोलो भाई, तो एल आ गया 1, तो यानी पी स्टेट आ गई। और एस की वैल्यू क्या है, हाफ, तो 2s+1 कितना आ जाएगा, 2। और जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल प्लस एस कितना बनता है, 3/2, और एल माइनस एस कितना बनता है, 1/2। तो दो आपको टर्म्स मिल जाएंगी यहां पे, मान लेते हैं इस तरीके से, एक होगी ट्रिपलेट पी 1/2 और एक होगी ट्रिपलेट पी 3/2। 1/2 वाली ग्राउंड स्टेट है, क्योंकि लेस देन हाफ फील्ड के लिए जे की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्या आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई, यस और नो भाई, बहुत ध्यान से मुझे आंसर करना, क्योंकि ये कोई आसान बात नहीं है जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, ठीक है। दिमाग है तो समझ पाओगे, और अच्छी जगह से पहले पढ़ रखा होगा तो ही समझ पाओगे। तो ये थी ग्राउंड स्टेट, और उसके बाद आज से पहले हम क्या सोचते थे, याद करो कि सर 3s ऑर्बिटल उसके बाद 3p ऑर्बिटल, ये तो सोचते थे, तो हमें एक ही एनर्जी लेवल नजर आता था। लेकिन एक्चुअल में 3p में कितनी माइक्रोस्टेट पॉसिबल है, 6 माइक्रोस्टेट पॉसिबल है कि नहीं, और 6 माइक्रोस्टेट में जरा चेक करो, ये वाली जो स्टेट है इसकी डीजनरेसी क्या है, तो वो होता है 2j+1। अगर आप 2j+1 करेंगे तो आ जाएगी 2, और इसकी 2j+1 करेंगे तो आ जाएगी 4। यानी जो 6 माइक्रोस्टेट्स थी, 2 नीचे हैं और 4 माइक्रोस्टेट्स ऊपर है। इस तरीके से दो एनर्जी लेवल जनरेट हो गए हैं, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर है। अब अगर हम ज्यादा और एनर्जी देते तो 3p की जगह ऐसा भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाता, 4s में पहुंच जाता, हो सकता था कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है भाई। तो अगर वो 4s में पहुंचता, यानी 3s वाला इलेक्ट्रॉन 0, 4s 1, तो लेकिन इलेक्ट्रॉन तो अब भी किस में, s में है, तो कैपिटल L 0, यानी अब भी s स्टेट होती। तो 4s के लिए अगर आप टर्म सिंबल निकालने की सोच रहे हैं, तो 4s के लिए टर्म सिंबल बिल्कुल सेम है, डुबलेट s 1/2, बस फर्क इतना है कि किसके लिए है, 4s के लिए है, डुबलेट s 1/2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, बोलो भाई। चलिए अगर आप इलेक्ट्रॉन को थोड़ा और, इतना खेल खेलने की जरूरत है नहीं मेरे को, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, चलो मान लो कि आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को और एक्साइट कर देते, तो 4s की जगह के बाद वो 3d में भी पहुंच सकता था, क्लियर। तो मैं उसको भी कंसीडर कर लेता हूं, मैं तुम्हारा किसी चीज में दिल नहीं तोड़ूंगा। लेट्स टेक दिस टू हायर लेवल, 3s 0, 3d 1। अगर आप इस क्लास में ढंग से पढ़ रहे हैं तो आंसर आप करेंगे 3s 0, 3d 1 के लिए क्या टर्म सिंबल आएगी, स्टेट क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन किस में है, d ऑर्बिटल में, d के लिए +2 में है, +2 का मतलब है d, समझ में आई बात, कैपिटल d स्टेट आ गई, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो s की वैल्यू हाफ है, तो डुबलेट d टर्म हो गई है। और j की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप जानते हैं सर, j की वैल्यू क्या होती है, l प्लस s से लेके l माइनस 1। तो क्या क्या दो वैल्यूज आएंगी मुझे एक बार बताइए जरा, 5/2, 3/2 आएगी। अगर आप लोग इतना नहीं कर सकते हैं अभी तक, तो या तो जहां पढ़ रहे हो वहां पढ़ना छोड़ दो, या फिर जहां मैं पढ़ा रहा हूं वहां थोड़ा ध्यान देना शुरू करो, दोनों में से एक चीज करो, क्योंकि मैं सारी चीज समझा चुका हूं, ठीक है। तो d वाले केस में डुबलेट d 1/2, डुबलेट d 3/2। क्या आप लोगों के लिए को ये बात समझ में आई, क्योंकि आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होते हैं उनका टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 आएगा, एल भी 0 है, एस भी 0 है, उन सब के लिए 1s0 यही इनकी टर्म सिंबल आता है। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी। तो हम आज से पहले क्या सोचते थे और हमारी क्या नियत चेंज हो जानी चाहिए, हम ये सोचते थे 3s एक लेवल है, 3p एक लेवल होगा, 4s एक लेवल है, 3d एक लेवल है। तो हम एक्सपेक्टेशन ये रखते थे कि जब हम सोडियम को एक्साइट करेंगे उस इलेक्ट्रॉन को, अगर वो 3p में गया तो एक लाइन नजर आनी चाहिए, या वो 4s से आ रहा है तो भी एक लाइन नजर आनी चाहिए, यहां से आ रहा है तो एक लाइन नजर आनी चाहिए। तो हम ये एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए थे, लेकिन हमने ये देखा जब हम सोडियम का स्पेक्ट्रा देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है, इस तरीके से हमें दो लाइन नजर आती है, इस तरीके, यानी स्प्लिट हो गई लाइन आगे। सवाल ये, स्प्लिटेंस का रीजन क्या है, ये बात शुरू में तो हम समझ नहीं पा रहे थे। आपने ये भी पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में और भी स्प्लिट हो जाती है, सब चीजें पढ़ी हमने, राइट, क्योंकि आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो जे है वो माइनस
एमजेस टू प्लस एमजे तक वैल्यू जाती है, इनकी फर्दर स्प्लिटिंग हो जाएगी, फर्दर स्प्लिटिंग होगी तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन और ज्यादा नजर आएंगे और एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन आप सोडियम का एक्साइट करते हैं और वो ट्रिपलेट पी वाली टर्म से वापस आ रहा है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो लाइन मिलती है उसको हम बोलते हैं सोडियम डी वन लाइन। डी वन लाइन जिस रेंज में होती है वो होती है 5896 आर्मस्ट्रांग। और अगर इलेक्ट्रॉन इसी की दूसरी माइक्रोस्टेट से में पहुंच जाए और वहां से वापस आए, तो यू आर गोइंग टू गेट अनदर लाइन डी टू लाइन, और इसकी जो रेंज है वो 5890 है। तो पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है, सोडियम की जो डी वन लाइन है वो कहां से कहां ट्रांजिशन होने पर आई है। तो देखो, ट्रिपलेट पी वाले से डुप्लेट एस वाले में ट्रांजिशन होती हुई आपको नजर आएंगे। क्लियर है? बोलो भाई। तो ये मीनिंग होता था कि जो दो लाइन नजर आ रही है लोअर वेवलेंथ पे और हायर वेवलेंथ पे, डी वन और डी टू, तो आज हम इसको समझ पाए, क्योंकि आज हम ये समझ गए हैं कि बेसिकली 3P1 कोई एक एनर्जी लेवल नहीं है, 3P1 में जो 6 माइक्रोस्टेट्स है वो दो एनर्जी लेवल में डिवाइडेड है। सर अगर 3s0 3p1 एक इलेक्ट्रॉन है तो 3p इलेक्ट्रॉन एक है ना, देखो बताता हूँ दीपक, 3s1 है ना ये, तो इलेक्ट्रॉन मान ले p ऑर्बिटल में, इस तरीके से इसको मिटाना पड़ेगा, मैं रेड से लिख देता हूँ वरना, इस तरीके से प्लस वन जीरो माइनस, इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो l की वैल्यू क्या हो गई है 1, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो कैपिटल l की वैल्यू भी क्या हो गई है 1 हो गई है, तो 1 का मतलब है पी स्टेट। इलेक्ट्रॉन एक ही है तो एस की वैल्यू, स्मॉल एस भी 1 है, कैपिटल एस भी हाफ है, दोनों हाफ है, तो 2s प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो डुबलेट पी। जे की वैल्यू क्या होगी, एल प्लस एस से एल माइनस एस तक, तो 1 प्लस हाफ इज 3/2, 1 माइनस हाफ इज 1/2, तो जे के बेसिस पर हमने दो ये चीजें फाइंड आउट कर लिया। क्या ये बात समझ में आई दीपक अभी? अच्छा, मैं S की वैल्यू गलत पुट कर दी क्या? अच्छा अच्छा, अब समझा मैं। वेट, तू इसकी बात कर रहा है, ट्रिपलेट नहीं है, मैं ट्रिपलेट नहीं है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मल्टीप्लिसिटी इज 2। अच्छा क्लियर हो गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वेरी गुड। अब ये बताओ कि ये अलाउड ट्रांजिशन है कि नहीं, तो ध्यान से देखो, क्या ये इंटेंस लाइन आई होंगी कि नहीं आई होंगी, तो डी वन के लिए चेक करो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है दोनों की, सेम है, तो स्पिन अलाउड हो गया है, डेल्टा एस जीरो है, पी से एस आ रहा है, डेल्टा एल जो है वो माइनस वन है, वेरी गुड, और 1/2 से 1/2, इसका मतलब डेल्टा जे है जीरो, तो अच्छी खासी इंटेंस लाइन आएगी। क्लियर? अब यहां से इस इंटेंसिटी को देख लो, मल्टीप्लिसिटी सेम, P से S, डेल्टा L की वैल्यू माइनस वन, और 3/2 से 1/2, डेल्टा J इज ऑल्सो माइनस वन, तो वेरी वेरी इंटेंस लाइन आएगी, ये रिप्रेजेंट करता है। ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया है सोडियम के लिए, कि एक्चुअल में सोडियम के 3s से 3p में दो ट्रांजिशन लाइन नजर आती हैं, उसका रीजन यही है। इसी डायग्राम को हमने एक नाम दिया है, नाम से क्या फर्क पड़ता है, नाम तो कुछ भी हो जाए, नाम है ग्रोट्रियन डायग्राम या ग्रोट्रियन, इसको टर्म डायग्राम भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज टर्म डायग्राम। तो इसमें हमें क्या समझना है, इसमें हमें यह बात समझनी है कि यह डायग्राम हमें क्या बताता है, यह हमें यह बताता है कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है अलाउड है बिटवीन द एनर्जी लेवल। तो आप ये लिख सकते हैं, इट शोज allowed electronic transition between energy level के बीच में कौन से allowed है। और आपका अब homework है, यहां से आगे क्या homework है, आप helium और beryllium दोनों को, helium and beryllium का Grotrian diagram खुद थोड़ा सा examine करेंगे,
वो कि इतना सिंप्लीफाई नहीं होगा, लेकिन इसको एक बार गो थ्रू कर दीजिए, एटलीस्ट इन दोनों का तो करो ही, और उसको फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। फिर यहाँ हमारा एक पार्ट खत्म हो जाएगा चैप्टर का, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे जंप करेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा वो है टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांसमिटेड कॉम्प्लेक्सेस, जैसे आपने लिगेंड फील्ड स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, लिगेंड स्पेक्ट्रा और काउंटर आयन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो कैम्फर्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नेट गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ज़्यादा शोबाजी ड्रामा है नहीं, पढ़ना है तो पढ़ो, क्योंकि मैं बार बार आके नहीं समझाऊंगा कि ज्वाइन कर लो, भैया तुम्हारी मर्जी है। इफ़ यू वॉन्ट टू बिगन समथिंग, इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न केमिस्ट्री और आपको हेल्पफुल लगता है, यू विल गोइंग टू ज्वाइन, बट डोंट गो एनीवेयर कि आपको ऐसा लगे कि मस्ती के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं फ्रस्ट्रेशन कितना लोगों में बढ़ता जा रहा है, उसका एक रीज़न है वी डोंट हैव दैट पेशेंस नहीं रहा एक तो, ठीक है, पेशेंस अपने अंदर रखो, कोई बात नहीं। और इंस्टाग्राम फेसबुक अगर आप यूज़ करते हैं तो ये बात भी ध्यान से समझ के चलो कि इतना शो ऑफ वाली लाइफ जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोग अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो अच्छे से काम करो, कंपैरिजन मत करो, जेलिसी से दूर रहो, सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा। इफ़ यू कंपेयर योर लाइफ टू एनीबडी तो होगा यही कि आपको एंड में बड़ा ऐसा लगता रहेगा कि हम कितना भी बेस्ट कर रहे हैं हम अच्छा नहीं कर रहे। बट यस, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन इज़ वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट। एक सोसाइटी का फर्क रहेगा, अगर आप अच्छे बच्चों के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, वो अच्छी बातें कर रहे होंगे, तो आपको लगेगा कि यार आई शुड डू मोर, राइट, इन अ राइट डायरेक्शन, ठीक है। कुछ आवारागर्दी कर रहे हैं तो उस डायरेक्शन में भी आपको ऐसा लगेगा कि हमें भी यही करना चाहिए, आजकल यही तो चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि कई लोग, कई बार आप ऐसी कुछ वीडियोज देख लेते हैं कि आपको लगता है यार ये सही है, इनको इतने लोग देख रहे हो, तो उनकी इज्जत से देख रहे हैं क्या, उनको इज्जत से देख रहे हो तुम लोग, तुम उनका मजाक उड़ाते हो, सब उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके आसपास वाले लोग लड़ रहे हैं मजाक उड़ाते हैं, तो आप उनको सिर्फ एक टाइम पास की नज़र से उस तरीके से देख रहे हैं, और पैसे तो नाचने वाली भी कमा लेती है लाइफ में, तो आपको विद रिस्पेक्ट पैसे कमाने हैं, तो वो स्लो प्रोसेस रहेगा, और शॉर्ट स्टेप्स लॉन्ग विजन। बहुत सिंपल बात समझा रहा हूँ आप लोगों को कि जो बहुत जल्दी आ जाएगा ना वो बहुत जल्दी चल जाता है, बहुत जल्दी कमाए हुए पैसे बहुत जल्दी निकल जाते हैं चीज़ों में, लाइफ में रुकेंगे वही जुड़ेंगे वही, तो शॉर्ट स्टेप्स लो, लॉन्ग विजन रखो, कंटिन्यूस एफर्ट्स करते रहना है आप लोगों को, और विद रिस्पेक्ट आप लोग अच्छी जगह जाएंगे। आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ, और ऐसे ही बस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, इसमें कुछ जाता नहीं, पैसे तो लगी नहीं रहे इस चीज में, ठीक है। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एवरीवन। अरे क्या हुआ, मैंने इतनी स्माइल भी दे दी, बाय बाय।